हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका वानखेड़े रिव्यू एंड एनालिसिस में। मैं हूं गिरीश वानखेड़े और मैं रेगुलरली रिव्यू करता हूं फिल्मों का, वेब सीरीज का और डॉक्यूमेंट्रीज का। अगर आपने अभी तक मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज करें, जिससे कि आपको रेगुलरली अपडेट्स मिलते रहे। आज की फिल्म है मदर, जो कि स्ट्रीम हो रही है नेटफ्लिक्स पर 3 नवंबर 2020 से। यह एक जापानी सोशल ड्रामा फीचर फिल्म है जो कि पैंडेमिक के दौरान जापान में रिलीज हुई थी 3 जुलाई 2020 को, और इसका रिस्पांस काफी पॉजिटिव था। यह उन चंद फिल्मों में से है जिसमें भाषा कोई भी रुकावट या बैरियर नहीं हो सकती। सिनेमा की अपनी एक भाषा होती है और उसकी कहानी का फ्लो और उसके कैरेक्टर्स के साथ ऑडियंस अपने आप ही जुड़ जाती है विजुअल्स के सहारे और सबटाइटल्स के सहारे। उसके लिए उसको बहुत ज्यादा एक्सरसाइज नहीं करनी पड़ती, और वही बात है इस फिल्म में भी। इस फिल्म की कहानी का फ्लो और कैरेक्टर्स का ह्यूमन क्वेश्चन इतना सटीक है कि फिल्म के शुरू होने के 10 मिनट के बाद ही यह आपको अपनी फिल्म लगेगी। दैट इज व्हाट वी कॉल द पावर ऑफ सिनेमा। सत्यजीत रे की 1956 में पाथेर पांचाली जब कांस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में गई, तब कई लोगों ने भारत में उनके ऊपर आरोप लगाया था कि ये भारत की गरीबी को दुनिया भर में दिखा रहे हैं। उन आरोप लगाने वालों में एक नरगिस जी भी थी। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि गरीबी बहुत बड़ा ट्रिगर होती है क्रिएटिव एनर्जी का। नरगिस जी की खुद की फिल्म मदर इंडिया में भी जो बेस है वो गरीबी ही है, वो ट्रिगर जो है उसका वो गरीबी ही है। और अमिताभ बच्चन का दीवार में जो कैरेक्टर है, जो उसका विद्रोह है, उसके पीछे भी गरीबी ही है। उसके अलावा हम सारी अगर अपनी 70s और 80s की पैरेलल फिल्मों की मूवमेंट को देखें, जिसमें पार है या अर्धसत्य है या चक्र है या आक्रोश है या आघात है या फिर सलाम बॉम्बे है, इन सारी फिल्मों के पीछे का ट्रिगर गरीबी है। 1948 में बनी थी बाइसिकल थीव्स, जिसका ट्रिगर गरीबी था। उसके अलावा 2002 में बनी थी ब्राजीलियन फिल्म जिसका नाम था सिटी ऑफ गॉड, और उसका ट्रिगर भी गरीबी ही था। फिर 2005 में डैनी बॉयल की फिल्म आई थी स्लमडॉग मिलियनेयर, जिसका बेस गरीबी ही था। और उसके अलावा 2018 में आई थी शॉपलिफ्टर्स, जो कि जापानीज फिल्म थी, और उसमें भी गरीबी एक कैरेक्टर था। तो इन सारी फिल्मों में जो क्रिएटिव एनर्जी है, क्रिएटिव फोर्स का सोर्स है, वो गरीबी है इन सारे नरेटिव्स में। इसी लीग में सबसे ज्यादा इंपैक्टफुल फिल्म थी पिछले साल की बॉन्ग जून हो की पैरासाइट, जो कि ऑस्कर विनर फिल्म थी, और उसमें क्लास कॉन्फ्लिक्ट और गरीबी को बहुत ही प्रभावशाली ढंग से डिपिक्ट किया गया था। उसमें भी ट्रिगर गरीबी ही था, और उसी के एक स्टेप आगे जाती है यह फिल्म मदर, जिसमें डायरेक्टर तातुशी ओमोरी ने उसी को ट्रिगर बरकरार रखा है, यानी गरीबी का ट्रिगर बरकरार है। बस जो फोकस है वो अब सेंट्रल कैरेक्टर पे है, और सेंट्रल कैरेक्टर है मदर। ये सिंगल मदर कैरेक्टरलेस है, अमोरल है, और उसे नशे का, जुए का और आदमियों का शौक है। वो अपनी सेक्सुअलिटी और अपनी गरीबी को हथियार बनाकर किसी तरीके से लोगों को एक्सटॉर्ट करके सर्वाइव कर रही है। उसका जो बेटा है, उसने बचपन से लेकर 15 साल की उम्र तक अपनी माँ के इस लापरवाह और इस सेल्फ डिस्ट्रक्टिव एटीट्यूड को देखा है, और इसी बीच में उसकी माँ ने एक बच्ची को भी जन्म दे दिया है। अब इतनी बुराइयां और इतनी खामियां होने के बावजूद भी उस बच्चे और उस माँ के बीच में जो बॉन्डिंग है वो इतनी स्ट्रांग है कि आपको अपने आप ही समझ में नहीं आएगा कि मॉरालिटी और नैतिकता और रिलेशनशिप के किस थ्रेशोल्ड पे जाकर आप खड़े रहे। इस माँ की नैतिकता और मूल्यों का इतना पतन हो जाता है कि वो अपने बेटे से अब चोरी भी करवा सकती है, और वो अपने खुद के माँ बाप का खून करने के लिए भी उस बेटे को इंस्टिगेट कर सकती है। यानी कि इतने नीचे गिर सकती है रिलेशनशिप और बॉन्डिंग की ये लेयर कि ये आपको नम कर देगी मेंटली, और साथ ही साथ आपको डिस्टर्ब कर देगी। जहां तक हम फैमिली वैल्यूज और टुगेदरनेस और एब्सोल्यूटिज्म की बात कर रहे हैं, वहीं पर यह फिल्म बड़ी हिम्मत से इन सारी चीजों को ठुकरा देती है। वो किसी भी सिनेमैटिक ग्रामर को नहीं मानती, किसी भी सिनेमैटिक स्ट्रक्चर को नहीं मानती। बड़ी ही अनकन्वेंशनल तरीके से बढ़ती हुई यह फिल्म माँ और बेटे का रिलेशनशिप कितना टॉक्सिक हो सकता है, इसको बड़े ही एग्रेसिव तरीके से पोर्ट्रे करती है। जापान की 2014 की वास्तविक घटनाओं से प्रेरित है यह फिल्म, जिसे डायरेक्टर तत्सुशी ओमोरी ने बड़े ही मास्टरफुल तरीके से हैंडल किया इस नॉन कन्फर्मिस्ट और शॉकिंग नैरेटिव को। मसामी नगासावा है माँ के कैरेक्टर में, जिसने अपने जिंदगी के 20 साल के करियर का सबसे इम्पैक्टफुल काम किया है। इतनी खीज और चीड़ आती है इस कैरेक्टर की, जिसको मैं उसकी जीत कहूंगा।
फिल्म की सिनेमाटोग्राफी है तोमोहिको सुजी की और म्यूजिक है तारो इवा शिरो का जो कि फ्लॉलेस है। इस फिल्म में जितना होल्ड एक माँ अपने बेटे पर रखती है उतना ही होल्ड ये 2 घंटे और 6 मिनट की फिल्म आपके ऊपर रखती है और हम ये कामना करते हैं कि हम भी भारतीय अपनी फिल्मों और अपनी कहानियों और अपनी क्राफ्ट में वो होल्ड पैदा कर सके। 4 स्टार्स, गो फॉर इट।